कहते एक तोता था, वो चोरों के साथ रहता था। चोरों ने उसे बता रखा था कि कोई भी इधर से निकले तो हमको सूचना देना, हम लोग आकर के उसको लूट लेंगे। तोता तो भाषा सीख ही जाता है। सो तोता जैसे ही किसी को आते हुए देखता था, जोर जोर चिल्लाता था, लूट लो लूट लो लूट लो, और लोग जाकर के उसको लूट लेते थे। संयोग से एक बार उस तोते को एक महात्मा जी ले गए, तो महात्मा जी के साथ वो तोता रहने लगा। एक साल रहा तो वहां बढ़िया कीर्तन सुना, भजन सुना, जो लोग आवे उनको जलपान कराया जाए, भोजन कराया जाए, सम्मान किया जाए। तो अब कोई आता है तो कहता है जय सियाराम, आइए हमारे आश्रम का जल बड़ा मीठा है, इसको ग्रहण करिए और भोजन करके तब जाइएगा। तोता वही है, चोरों की संगत में रहता था तो चोरों की भाषा बोलता था, संतों की संगत में रहता है तो संतों की भाषा बोलता है। इसलिए संग बहुत जरूरी है। संगत अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी रंगत बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। इसलिए प्रयास किया जाए अच्छे लोगों के साथ रहो, परेशान टाइप के लोगों के साथ मत रहो। कुछ लोगों के चेहरे पे तो बारह ही बजा रहता है, जब देखो क्या हाल चाल, ठीक ही है महाराज। ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। प्रसन्न व्यक्तियों के साथ रहो, और ऐसे लोगों के साथ यात्रा कभी मत करो जो दिमाग लगाते हो। परेशान आदमी, पीड़ित शोषित आदमी, इनके संगत को करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी भी प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। भगवान कहते प्रसन्न हासा, भगवान को भी वही आदमी अच्छा लगता है जो हमेशा मुस्कुराता है। खुश रहने वाला आदमी भगवान को अच्छा लगता है, और हमेशा भगवान के सामने रोते रहे हो जाकर के तो भगवान भी देखना बंद कर देते हैं। संगत अच्छी होनी चाहिए।